क्यूब बिना 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 क्यूब पैटर्न भाई भाई आज की वीडियो में हम 2x2 से लेकर 9x9 तक एक पैटर्न ट्राई करने वाले हैं जिसका नाम है क्यूब इन अ क्यूब इन अ क्यूब। और 3x3 पे तो हम क्यूब बिना क्यूब बिना क्यूब कह सकते हैं, बट 9x9 पे तो हम भाई क्या कहेंगे, क्यूब बिना 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 क्यूब, हाँ भाई ऐसा होगा। तो भाई सबसे पहले 3x3 पे कैसे बनाना है, अपनी मन पसंदीदा कलर स्कीम तुम लोग चूज कर सकते हो। मुझे क्या पसंद है, मैं टॉप पे येलो रखूँ, फ्रंट पे ब्लू रखूँ, राइट पे रेड रखूँ, भाई मुझे ऐसे ही कलर स्कीम पसंद है। और भाई जो टॉप पे एल्गोरिथम चल रहा है बस वो लगा लो और तुम लोगों का यार ये बन जाएगा, या फिर मेरे मूव्स को तुम लोग फॉलो कर सकते हो। U प्राइम L प्राइम U प्राइम F R टू B प्राइम R F U B टू U B प्राइम L U प्राइम F U R F प्राइम, और ये आपका बन जाता है क्यूब इन अ क्यूब इन अ क्यूब। और अगर आप लोग फ्लिप करो तो उसी पर उस पर भी ये क्यूब इन अ क्यूब इन अ क्यूब ही होता है। 2x2 पे कुछ खास नहीं, बस सेम एल्गोरिथम एक दफ़ा लगा दो। मुझे ये कलर स्कीम पसंद है कि मैं टॉप पे येलो, फ्रंट पे ब्लू, राइट पर रेड रखूं, और सेम एल्गोरिथम एक दफ़ा लगा दोगे तो आपका इस पे तो क्यूब इन अ क्यूब इन अ क्यूब नहीं बन सकता, क्योंकि इसकी लेयर आप लोग देख सकते हो सिर्फ एक। यार ये कितना क्यूट लगता है यार, मुझे नहीं पता। ओहो भाई इससे बेहतर पैटर्न 2x2, मुझे लगता है 9x9 से भी ज़्यादा मज़ेदार 2x2 पे लग रहा है। खैर हम इसको बाहर निकालते हैं। अगला हमारा 4x4। भाई 4x4 पे थोड़ा सा ये मैं एक बात बता दूं, इवन लेयर पजल्स जैसे 4x4 हो गया या 6x6 हो गया, और ऑड लेयर पजल्स जैसे 5x5 और 7x7 हो गया, दोनों पे क्यूब इन अ क्यूब इन अ क्यूब पैटर्न अलग अलग तरीकों से बनता है। भाई अभी हम 4x4 की बात करते हैं। मैं अपनी मन पसंदीदा कलर स्कीम रख ली सामने, ब्लू रेड येलो, पहले एक दफ़ा सेम एल्गोरिथम लगाया। अब तो तुम लोगों को शायद बताने की ज़रूरत भी नहीं है ये एल्गोरिथम के तो तुम लोगों को मास्टर हो जाना चाहिए। जब ये लग जाए ना, अब क्योंकि हमने इसके अंदर वाली लेयर में भी एक क्यूब बनाना है ना, ऐसे ही है ना, ये 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 और ये इस पर नहीं बना हुआ, तो हम क्या करेंगे, इसको एक दफ़ा पूरा फ्लिप कर लेंगे। यार मैं क्या कर दिया तुम लोगों को पता भी नहीं लगेगा, लगा होगा ये हमारे सामने अभी है, और अब मैं इसको फ्लिप कर रहा हूँ और इस वाले पार्ट को अपने सामने लेकर आ रहा हूँ। अभी हमारे सामने ये है और अब हमारे सामने ये है, वाइट वाला कॉर्नर फ्रंट पे रखना है। फिर बता देता हूँ, पहले हमारे सामने कुछ ऐसा था, अब हमारे सामने कुछ ऐसा है। ये वाला पार्ट अपने फ्रंट पर कर ले, ये वाइट आपके फ्रंट पर आएगा। और अब यही एल्गोरिथम दो दो लेयर्स के मूव से लगानी है, जैसे पहले यू प्राइम एक लेयर से था लेकिन अब यू प्राइम दो से होगा, और इसी तरह पूरा एल्गोरिथम दो दो लेयर से हम लगाएंगे, और एक वक्त आएगा कि आप लोगों का जो पैटर्न की हम बात कर रहे हैं वो बन के तैयार हो जाएगा। ओ भाई एल प्राइम यू प्राइम एफ यू आर एफ प्राइम, और ये आपका बन गया है क्यूब इन अ क्यूब इन अ क्यूब इन अ क्यूब। और फ्लिप करेंगे तो दूसरी साइड से भी इससे खूबसूरत चीज़ इस दुनिया में चराग लेकर निकलोगे नहीं मिलने वाली भाई, नहीं मिलने वाली। और ये तो कुछ भी नहीं, 5x5 पे जो इसका हुस्न आता तुम लोग नहीं समझ सकते। खैर अपनी मन पसंदीदा कलर स्कीम रखेंगे। 4x4 पे जिस तरह हमने बनाया उससे बिल्कुल ही डिफरेंट है 5x5 पे बनाना, और मज़ेदार भी है। खैर बनाते हैं यू प्राइम एल प्राइम यू प्राइम एफ आर टू बी, पहले हम सेम वैसे ही एक दफ़ा एल्गोरिथम लगा देंगे जिससे हमारी ऑलमोस्ट आउटर लेयर्स पर ये बन जाता है। अब हमने इसके अंदर बनाना है, तो 4x4 पे तो हम इसको फ्लिप करते थे, यहाँ पे हमने इसको फ्लिप नहीं करना है, यहाँ पे रहते हुए यही एल्गोरिथम दो लेयर्स की मदद से लगा देना है। 4x4 इवन लेयर पजल है, ये ऑड लेयर पजल है, दोनों का अपना अपना हिसाब है भाई, तुम लोग बस जो मैं कह रहा हूँ वो कर लो। यहाँ पे रहते हुए दो दो लेयर की मदद से अब ये एल्गोरिथम लगाना है। और भाई मुझे नहीं पता मैं यहाँ पे वीडियो को फास्ट करूँ या फिर तुम लोगों से बात करता हूँ, वैसे तुम लोगों से बात करने का एक अलग ही मज़ा है, पता नहीं यार मुझे मज़ा आता है, तो आई थिंक फास्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा इस पर बन गया है क्यूब इन अ क्यूब इन अ क्यूब इन अ क्यूब इन अ क्यूब। और फ्लिप करेंगे तो उधर भी, यार पता नहीं मुझे ये पैटर्न अच्छा लगता है या ये है ही, इसमें है ही इतना हुस्न, मुझे नहीं पता। खैर यार एक दफ़ा रख के ना देखें ये कितने हसीन लग रहे हैं भाई, ये कितने हसीन लग रहे हैं, देखो ज़रा चेक करो। खैर 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 है, अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, बाद में इकट्ठा रख के देखते हैं। बारी है 6x6 की। 6x6 की जैसे हमने 4x4 पे बनाया वैसे ये पर थोड़ा सा फ़र्क है, वो हम बात करते हैं। सबसे पहले तो आउटर लेयर पे लगा देंगे ना, जो भाई सबको ही पता है अब तक तो कि आउटर लेयर पर हमने लगाना है, उसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं रही। अब आउटर, ओ यार एक गलती हो गई अंदर।
तो भाई मैं 6x6 की आउटर लेयर पर ये लगा रहा हूँ, जैसे हम आज तक लगाते आए हैं। शुरू में हमारा पहला मूव तो तुम लोगों को पता ही है यार, मैं पता नहीं ये बात क्यों बार बार कर रहा हूँ। खैर, तो उससे आपके आउटर लेयर पर ये पैटर्न बन जाएगा। अब यार मुझे क्यों लगता है हमने गलत कलर स्कीम में लगा दिया है। चलो चलो कोई बात नहीं है, मेरी कलर स्कीम शायद ये नहीं थी ना, मेरी ब्लू और रेड आता था। चलो चल जाएगा यार। अब 4x4 में हम फ्लिप करते थे क्योंकि वन लेयर पजल था। अब इसमें हमने फ्लिप नहीं करना है, यहाँ रहते हुए दो दो लेयर्स की मदद से लगाना है। जैसे 5x5 में लगाया था, तो मैं दो दो लेयर्स की मदद से लगा लूँ। तो भाई मैंने दो दो लेयर्स की मदद से लगा लिया और अभी भी यहाँ पे एक कसर रह गई है, ये वाला जो पार्ट है इस पर एक क्यूब बनना है ना, ऐसे ही है ना। तो अब क्योंकि ये इवन लेयर पजल है, तो अब वाला हम एक दफ़ा फ्लिप कर लेंगे यार। वाइट आपके राइट साइड पे रहेगा, देखो अभी येलो फ्रंट पे है, तो आपने एक दफ़ा ऐसे फ्लिप करना है, वाइट आपके राइट साइड पे रहेगा। और यहाँ से अब आप लोगों ने तीन तीन लेयर की मदद से ये पैटर्न लगाना है। भाई ये यहाँ पे ऐसे ही चलता है, जो जो पजल्स बड़े होते जाते हैं उनकी स्ट्रैटेजी बदलती जाती है, उनकी लेयर्स बदल जाती हैं, सारा बदल जाता है। बेसिक एल्गोरिथम यही है, कभी दो से लगाना है, कभी तीन लेयर से लगाना है। बस अब तुम लोगों ने तीन लेयर की मदद से एल्गोरिथम फ्लिप करके लगाना है। तो मैं तीन लेयर की मदद से एल्गोरिथम लगा रहा हूं, जैसे यू प्राइम हमारी टॉप की तीन लेयर्स, और ये हो गया एल प्राइम, यू प्राइम, एफ प्राइम, और ये हमारा बन गया क्यूब इन अ क्यूब इन अ क्यूब इन अ क्यूब इन अ क्यूब पैटर्न। और यहाँ ओ यार मानता हूँ कलर स्कीम उस लेवल की नहीं है जो मुझे पसंद है, बट यार मिलती जुलती, अब क्या कर सकते हैं यार। गलती से ना तुम लोगों से बातों में लगा हुआ था तो कलर स्कीम इधर उधर हो गई। अब बारी है 7x7 की, सबसे पहले हम वही कलर स्कीम रखेंगे। और भाई आउटर लेयर्स पर तो लगा देना, क्योंकि वो तो ऑलमोस्ट सारा ऑलमोस्ट क्या बिल्कुल ओ भाई पहले भी कहीं ऐसे ही हमसे काम ख़राब हुआ है। ये हमारा बन गया क्यूब इना क्यूब इना क्यूब। और अब हमने दो लेयर की मदद से लगाना, सेम एल्गोरिथम यहाँ रहते हुए, क्योंकि ये ऑड लेयर पजल है तो इसमें हमने फ्लिप नहीं करना कभी भी। तो भाई ये बन गया हमारा क्यूब इना क्यूब इना क्यूब इना क्यूब इना क्यूब। बट यहाँ पे अभी भी एक मसला है, ये दरमियान वाली जो लेयर है, दरमियान वाली, इसमें एक क्यूब बनना है। तो यहाँ रहते हुए 6x6 में तो हमने फ्लिप कर लिया था, 7x7 में फ्लिप नहीं करना भाई। यहाँ रहते हुए तीन तीन लेयर की मदद से अब ये एल्गोरिथम लगाना है। सेम देखो, यू प्राइम टॉप के तीन लेयर्स को मैंने घुमा दिया, अब एल प्राइम मैंने लेफ्ट के तीन लेयर्स को ऊपर कर दिया। तो ऐसे ही अब ना तीन तीन लेयर की मदद से हम ये एल्गोरिथम लगाएंगे। और ये बन चुका है क्यूब इन अ 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 क्यूब। और यार ये कितना हसीन है यार, एक इल्यूजन सा लगता है। खैर, और अब है मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा डर का सामना करने का, 9x9 पर ये पैटर्न बनाने वाला हूँ। ओ भाई रात के 1:30 बज रहे हैं और मुझे ताकत चाहिए ये पैटर्न बनाने के लिए, भी हौसला चाहिए। तो भाई मैं टाइम लैप्स पे लगाने वाला हूँ, क्योंकि तुम्हें बनाना आता है, ओल्ड लेयर पजल है तो इसमें हम ऐसे ही बनाएंगे। सबसे पहले एक लेयर की मदद से लगाएंगे, फिर दो लेयर की मदद से लगाएंगे, फिर तीन लेयर्स की मदद से लगाएंगे, फिर चार लेयर की मदद से लगाएंगे और ये बन जाएगा। तो भाई चलो टाइम लैप्स पे चलें। भाई माफ़ कर देना, बनाना तो क्यूब बिना क्यूब बिना क्यूब ही था, लेकिन ये क्या बन गया। ओ यार एक अच्छा खासा टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में। मैं आता हूँ यार, इसको सॉल्व करके दोबारा आता हूँ, इसको बना कर आता हूँ यार। तो भाई वादे के मुताबिक मैं आ चुका हूँ वापस, और इसको हम करने लगे हैं दोबारा से यार, बनाने लगे हैं। बस हो गई है, हालत बुरी है इस वक्त पूरी तरह से यार। ये इतना ब्राइट क्यों है, हाँ अब बेहतर है। तो भाई शुरू करते हैं टाइम लैप्स दोबारा से। ओ भाई दोबारा खराब हो यार, मैं मर जाऊंगा। ओ भाई अब कल ट्राई करेंगे, ये वीडियो यहाँ पे पॉज कर रहा हूँ, कल ट्राई करेंगे यार, और इस वीडियो को पूरा करके ही अपलोड करेंगे। तो भाई तीसरी दफ़ा आ चुके हैं हम क्यूब इन अ क्यूब इन अ क्यूब पैटर्न बनाने इसमें, और भाई शुरू करते हैं यार। अब हर हाल में बन जाना चाहिए, दिनों में ये वीडियो बनी है, तुम लोगों को शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं है।
कमरे में मैं कुछ चीज़ें बदल रहा हूँ, वॉलपेपर लगवा रहा हूँ और कुछ मतलब टेबल वगैरह नए लेकर आ रहा हूँ, बड़ा कुछ कर रहा हूँ, तो भाई पता नहीं कितने दिनों में ये एक वीडियो बनी है। तो भाई इसके लिए एक लाइक बनता है और सब्सक्राइब बनता है यार, और शायद ये देखना अब। और ये है मेरा आखिरी मूव, फाइनली फाइनली भाई हमने हिम्मत नहीं हारी और बना लिया क्यों बिना 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 क्यों पैटर्न। भाई क्या बात है यार। तो भाई इसी के साथ आई थिंक इस वीडियो का एंड करते हैं। सबको रख के ना देख लें यार एक दफ़ा, बड़े अच्छे लगेंगे। 2x2 पे, ये 3x3 पे, 4x4 भी है हमारे पास और 5x5 भी है, 6x6 पे। चलो कलर स्कीम बिगड़ गई बट अच्छा लग रहा है यार फिर भी। और 7x7 के तो क्या ही कहने, लेकिन इन सब में सबसे बेहतरीन तो 9x9 ही लग रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। आय हाय 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 यार क्या सेटिस्फाइंग सा पैटर्न है ये। और आई थिंक आज की वीडियो यहाँ पे करते हैं ख़त्म। सब्सक्राइब कर देना यार, बेल आइकन दबा लेना। मैं क्या यार, दिल नहीं करता मेरा इतना कहने का, तुम लोग भी बोर हो जाएगा, लेकिन तुम लोग सब्सक्राइब नहीं ना करते, याद रहेगी यार।